हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप। आप लोग जैसे जानते हैं, ये मेरा नया चैनल जिसमें आप लोगों को मोबाइल के बारे में बताता हूँ, मोबाइल के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मोबाइल का सामान और कोई भी बिजनेस के बारे में बताने के लिए मैंने बोला था। इसका है मेरा रिपेयरिंग का पहला वीडियो जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, सैमसंग का कोई भी मोबाइल हो, चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अनफॉर्चुनेटली स्टॉपेड आता है, हैंग रहता है, या बहुत सारे लोग अपना कुछ पासवर्ड वगैरह भी भूल जाते हैं, तो उसे आप कैसे सही करेंगे। हैंग करने लगा, धीरे धीरे चलता है फ़ोन, हल्का गर्म पड़ता है, अचानक से हैंग होकर बंद हो जाता है, तो उसके लिए आपको कैसे फ्लैश करना पड़ेगा इसको मैं दिखाऊंगा। इस जो तरीका दिखा रहा हूँ इससे आप किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन को फ्लैश कर लेंगे। ये सबसे बेसिक फ्लैशिंग का तरीका होता है। इसके लिए किसी भी आपको टूल या किसी भी बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर में आपको ओडेन नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, ये देख रहे हैं जैसे कि आप, और इसका वर्जन है 3.09। इसे खोल लेंगे, इसके बाद इसमें फाइलें सेलेक्ट करेंगे, PIT सबसे पहले, फिर बूट लोडर, फिर ऐप, ध्यान से देखिएगा आप लोग इसे मैं कैसे कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा किसी भी मोबाइल की फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं सैमसंग की। ऐप फाइल थोड़ा सा बड़ी होती है, उसको लोडिंग लेने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, प्लीज़ वेट लिखा हुआ है। अब ये CP सेलेक्ट करेंगे, फिर CP के बाद CSC, ये पांचों फाइलें सेलेक्ट हो गई हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन को बूट लोड मोड में लेके जाना है, डाउनलोड मोड में। डाउनलोड मोड में ले आने के लिए फ़ोन को सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे, देख रहे हैं फ़ोन काफ़ी हैंग हो रहा है, इसी वजह से मैं इसे फ्लैश कर रहा हूँ। अगर फ़ोन ऐसा हैंग हो जाता है, कुछ दिक्कत कर रहा है ज़्यादा ही, तो फिर आप बैटरी निकाल के दोबारा लगा के भी वो कर सकते हैं, डाउनलोड मोड में ले जा सकते हैं। डाउनलोड मोड में ले आने के लिए सबसे पहले होम वाली बटन दबा देनी है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन दबानी है आपको, और फिर पावर की, कंटिन्यू थोड़ी देर तक पुश करना है, ऐसे लिख के आ जाएगा। अब आपको अप वाली बटन दबा के वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू, जब डाउनलोड मोड में चला गया है, अब इसमें डाटा केबल लगा देंगे, यहाँ पे कॉम पोर्ट ले लिया है, ग्रीन कलर से यहाँ पे बन गया है, मतलब कि सब कुछ सही है। अब यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है, ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है, और यहाँ देखिए फ़ोन में भी एक लाइन चलने लगेगी धीरे धीरे। मुश्किल से करीब 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट बाद ये मोबाइल फ्लैश हो जाएगा। ये देखें फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है, फ़ोन में एक लाइन चल रही है, अपडेशन के स्टेटस बता रहा है, और एक स्टेटस की लाइन यहाँ पे भी चल रही है। तो आप लोग देखें कि अभी मैं इस फ़ोन को ऑन करके दिखाता हूँ, पूरी फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुल कि फ़ोन कैसे ऑन होगा। इसमें किसी भी टूल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक डाटा केबल और इस फ़ोन की USB ड्राइवर की, और एक ये ओडेन फ्लैश टूल का लेटेस्ट वर्जन 3.09 की, और जौन सा मॉडल आपको फ्लैश करना है उस मॉडल की फ्लैश फाइल की। ये देखें अभी बस थोड़ी सी फ्लैशिंग और बची हुई, फ़ोन का भी स्टेटस बता रहा है और कंप्यूटर में भी सेम स्टेटस बताएगा, और ये लाइन जब पूरी चल जाएगी तभी आपको डाटा केबल प्लग आउट करनी है। ये यहाँ पे ये सक्सेस जाएगा तो यहाँ पे रीसेट लिख के आ जाता है, फ़ोन ऐसे ऑन हो जाएगा आपका, ये ऐसे होगा, एक लाइन फ़ोन में और चलेगी अपडेशन की फ़ाइल की, और उसके बाद फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा। मैं फ़ोन को पूरे तरीके से ऑन करके दिखाता हूँ, आप लोग देखते रहिए बस एक सेकंड मेरा वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की ID की लिंक दी है, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर करें। फ़ोन ऐसे ऑन होगा, आप देखेंगे कैसे ऑन हुआ है। अब आपको यहाँ पर रिबूट नाउ कर देना है, इसके लिए आपको पावर वाली बटन पर क्लिक कर देना है, एक बार फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा। ये रिबूट होने के बाद सैमसंग लिख के फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो रहा है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देख के तो समझ गए होंगे कि आपको किसी भी सैमसंग का मोबाइल फ्लैश कर लेंगे। कीपैड वाले मोबाइल के फ्लैशिंग का सिस्टम अलग होता है, ये एंड्रॉइड फ़ोन की फ्लैशिंग का सिस्टम था, इस बात का ध्यान रखिएगा।
कोई भी सैमसंग के स्मार्टफोन होगा तो वो इसी तरीके से ही फ्लैश होता है। कई सारी फाइलें सिर्फ सिंगल होती हैं, एक फाइलें होती हैं और ये 5 फाइलें हैं, तो एक फाइल में सिर्फ फ़ोन अपडेट होता है, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। लेकिन पूरी तरीके से आपको फ्लैश करना है तो आपको 5 फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये फ़ोन ऑन हो जाने के बाद ऐसा लिख के आता है, इसमें जो सबसे पहला वाला ऑप्शन होता है वो लैंग्वेज का होता है, तो आप जिस भी कंट्री के हैं, जहाँ के भी हैं, वहाँ की आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर दें। इंडिया में ज़्यादातर इंग्लिश चलती है मोबाइल में, इसके लिए मैं इसमें इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। और आप जौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं वो तौन सी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में सारी लैंग्वेज रहती हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद एक सेकंड का वेट करेंगे। खैर, अब आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, बाकी प्रोसेस इसमें खुद लिख के आएगी कि अब आपको क्या करना है। स्टार्ट, नेक्स्ट, 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 इसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, नो, नॉट नो, नेक्स्ट। स्किप, स्किप, फिनिश, ओके। ये देखें फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो गया है और ये बराबर वर्क कर रहा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।